गुड इवनिंग एवरीवन, गिल्ज मिंटोर दे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ते थोड़ा सब दा वेलकम है और मैं उम्मीद कर दें कि तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। गिल्ज मिंटोर दा परिवार दिन प्रतिदिन वधदा जा रहा है। तकरीबन बहुत सारे बच्चे ने जिहड़े घर बैठे ने परसनली मैसेजेस आउंदे ने सर कि प्लीज़ तुसी सानू वाकई ही कुछ दिशा दिखाई है और दशा भी साडी बदली है कि असी कम से कम किसी न किसी पेपर की जरूर तैयारी करनी शुरू करती है। जरूरी नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट साडे लिए सब कुछ कर रही है, बेहतर यह है कि असी सब तो पहला अपनी प्रिपरेशन कर लीए। कल भी पोस्ट आ गई तो असी अपने आप का सर्टन कर सकते हैं सिलेक्शन। तो इसे ही कंसैप्ट दे विच अज असी शुरू करन जा रहे हैं रीजनिंग दी फर्स्ट क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त और एकदम खतरनाक वाला टॉपिक है और इस टॉपिक नूं मैं इदां करावांगा कि गारंटी है बिना किसी प्रैक्टिस तो अगर तुसी पीसीएस एग्जाम च जाओगे तो थोनों इदां दा ही कंसैप्ट मिलने वाला है। दोस्तों प्रैक्टिस करना कोई गलत गल नहीं है। प्रैक्टिस थोड़ा मैं ऑलरेडी बुक्स दस चुका वा, किसी भी स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं है अस एनीबडी मतलब तुम किसी बुक बाई कर रहे हो परचेज कर रहे हो तो उस तो पहला प्लीज़ साढ़े नाल जरूर डिस्कस करो। ठीक है, असी कोशिश करांगे कि थोड़ा फ्री च मटीरियल दे दिए। दो तीन गल्ला है सैशन की बिगनिंग दसना चाहवागा कि अज 6 बजे की क्लास से थोड़ा थोड़े स्तब्ध होंगे कि सर कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं है। साड़ी टैक्नीकल टीम ने कोशिश की कि कुछ प्रीमियर करन दी राइट, तो प्री रिकॉर्डेड सैशन था सैशन सेगा जिहड़ा वो पहला ही तुहाडे लई पब्लिश हो गया, इस करके असी माफ़ी चाहवांगे और ये बाकी दी क्लासेस सेम रहणगियां। रीजनिंग दी क्लासेस असी मैथ दी क्लास दे विच अल्टरनेट करांगे और सैकेंडली है संडे दे दिन मैक्सीमम साडियां क्लासेस ऑफ हुंदियां, बट फिर भी असी ट्राई करांगे कि कोई भी क्लास हुई तो उस तो पहला तुहानू नोटिफिकेशन आई जाएगा। इस तो अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर कि जिवें नवे स्टूडेंट्स हुंदे ने सर पीडीएफ चाहिए, इदां तुहानू एक मैं चैनल दस्सिया वा टैलीग्राम ज्वाइन करो। असी थोनू अगर डेली रूटीन च नहीं कर रहे हैं तो तकरीबन असी हो सकता है कि सारे थोनू पीडीएफ्स कंबाइन करके वीकली दे देंगे और देवांगे जरूर, विश्वास रखो यकीन मनो। ठीक है, लाइव सैशन नू प्लीज शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए है कि साडे लिए गिल्ज मिंटोर ने प्रिपरेशन करवाना शुरू कर चुके हैं और सही समय से सही क्लासेस अगर लेंगे तो आई थिंक टीचर्स नू भी बहुत अच्छा हौसला हुंदा है। नए स्टूडेंट्स की क्वारीज पता लगती है भी किदां दे स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं और किदां किदां दी स्टूडेंट्स की क्वारीज है। दोस्तों अज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के संबंध में असीं बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा। अज का जो टॉपिक है यह है रीजनिंग दी फर्स्ट क्लास ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तुम पीसीएस एग्जाम से बैठोगे किसी भी एग्जाम से बैठो थोड़े लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होएगा, जबरदस्त ट्रिक्स करांगे। सब तो पहला सवाल उठता है कि ब्लड रिलेशन टॉपिक सवाल किदा किदा दे आउंदे ने, किदा दा टॉपिक है। दोस्तों इत्थे चार तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी चार तरीके के पहले क्वेश्चन होंगे ने जस्ट फॉर रिलेशन की है। ठीक है, सैकेंड क्वेश्चन होंगे ने कि किसी ने किसी वल इशारा करके कहा, इदा के क्वेश्चन आने। थर्ड क्वेश्चन होंदा या एक पूरा स्ट्रक्चर दिता जाता है लाइक कि जिदा कि तुहानू देता कि ए बी दी वाइफ है, बी सी दा सी दी सिस्टर है और सी डी दा फादर है, इदा दा करके एक पूरा फैमिली उदे च तुहानू इदा पूछा जाता दसो इस पूरे स्टेटमेंट च किन्नियां मेल ने किन्ने फीमेल ने, या तुहानू इदा पूछा जाएगा कि ए टू जेड दा रिलेशन, इदा करके पूछा जाता है। फोर तरीके के जो क्वेश्चन ने ब्लड रिलेशन के अंदर प्यारे दोस्तों वह थोड़े जो कॉम्प्लीकेटिव होंगे ने। कॉम्प्लीकेटिव का मतलब है कि वह क्वेश्चन थोड़ा पीसीए पीएस पीसीएल च नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ पीपीएससी एग्जाम च पूछे जाते हैं। लाइक जिमें कि आप कह सकते हैं कि एक सिटिंग अरेजमेंट के क्वेश्चन होंगे ने। ठीक है, वो थोड़ा कंबाइन करके क्वेश्चन देगा कि जिदा 8 बंदे है किसी भी गोल टेबल के बारले पासे बैठे ने और उन्होंने कह देंगे कि जिमें पी डी के सामने है तो पी डी का फादर है, इदा के क्वेश्चन करके कुछ मिक्स किए जाते हैं जिड़े कि अखीरले सैशन आप मतलब सब तो लास्ट यानी रीजनिंग के टॉपिक करा। दोस्तों मैं तुहाडे नाल बिगनिंग गल कर रहा है कि बहुत ही ईजी और आराम ना सारे टॉपिक्स कवर करावांगा और यकीन मनियो कि ट्रिकी बेस बहुत जबरदस्त करावांगा और सिंगल क्वेश्चन भी पेपर च इधर उधर नहीं होएगा। शुरू करते हैं अज का सैशन और अज के सैशन च सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लड रिलेशन शुरू करने तो पहला तुसीं सीखना की है। देखो सारे बंदियां नूं जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने तुसी पढ़ रहे हो साडी दैनिक लाइफ दे प्रेजेंट टाइम दे जिन्ने भी रिलेशन ने सारे सानू पता है। अगर मैं खुद की गल करा कि खुद अगर आपां किदां रिलेशन देख सकते हैं किदां समझ सकते हैं लाइक सी रीजनिंग दे विच और मैथ दे विच, एक बच्चे का क्वेश्चन सी जरा मैं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कवर करांगा कि सर मैथ अते रीजनिंग नूं किदां अच्छे तरीके नाल कवर किया जा सकता है। दोस्तों मैथ और मैथ दे क्वेश्चन नूं कवर करन वास्ते मैथ दे क्वेश्चन नूं कवर करन वास्ते तुहानूं मैथ दे क्वेश्चन नूं अपने आप दे उपर लेना पएगा और बेहतर रीजनिंग नूं करन वास्ते रीजनिंग दे क्वेश्चन विच खुद नूं बिठाना पएगा। ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ने, यही चीज़ ब्लड रिलेशन ते मैं इंप्लीमेंट करके दसांगा रीजनिंग दे विच किदां। जरा ध्यान दो कि अगर मैं गल करा कि मैं खुद सैल्फ है राइट, मेरा फादर है ठीक है एंड मेरी मदर है, क्लीयर है। हुण इन्हां नूं ये मदर और फादर नूं मेरे इक्वल नहीं तुलिया जा सकता, थोनों सबनों पता है। जिहड़े रिलेशन अपनी दैनिक जिंदगी चों अपने तो वड्डे ने
राइट अपने तो वड्डे रिलेशन ने, वड्डे रिलेशन दे विच सब तो पहला गल करते हैं कि फादर हो गया, फिर उस तो बाद मदर हो गया, फिर आप गल करिए फादर दे फादर यानी अपने ग्रैंड फादर हो गए ने, आप जी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। दूजे तरीके ना ना समझ लियो जी एफ न, हाँ ध्यान रखियो इस चीज़ का भी। सैकेंडली मैं इसी क्वेश्चन ऐड करांगा कि जिदा इस तो अलावा जिम्मे साड़ी ग्रैंड मदर होगी, या आप दूसरे तरीके ना समझिए कि जो मेरा मैटरनल और पैटरनल, मतलब कि आप पंजाबी भाषा च कहिए कि दादका पक्ष और नानका पक्ष, ठीक है, दोनों जो रिलेशन ने, चाहे वह मामा है मामी है, ठीक है, सैकेंड है अगर आप गल करते हैं कि जिदा मासी है तो फिर मासड़ हो गया, ठीक है। इदा ही मैं किसी क्लास से पूछ रहा, मैं क्या भी हाँ जी दसो भी फुफड़, तो मैं क्या भी फुफड़ का अगर मैं गल फीमेल करा, तो एक ने कहता जी मैं पुछ, मैं दसदा, मैं दसो जी, कहना सर फुफड़ी, तो देखो इदा दे भी कुछ होने चाहिए, हालांकि फुफड़ है तो फुफड़ी तो होना चाहिए, पर भूआ जी, क्लीयर है। ये सारे रिलेशन साड़ी जिंदगी वड्डे ने, जो रिलेशन साढ़े एट प्रजेंट जिंदगी इक्वल ने, जिदा आप गल करिए कि अगर मैं गल करा कि अगर खुद अगर इतने मेल है, कोई मेल परसन है, ठीक है, मेल नूं आपां प्लस लवांगे, ये भी ध्यान रखना है कि जो मेल जेंडर होगा प्लस रखांगे और जो फीमेल जेंडर है उहदे लिए आपां माइनस रखांगे, क्लीयर है, ठीक है। जिदा आपां गल करिए अगर मेल है तो उहदी वाइफ होगी, बराबर इक्वल रिलेशन हो गया, उहदी वाइफ दा ब्रदर है सिस्टर है, बराबर रिलेशन हो गई, ईवन कि अगर मेल है तो उह उहनूं किदां कहेगा, मतलब ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, क्लीयर है। इस तों अलावा खुद दे ब्रदर हो गया, खुद की सिस्टर होगी या सिस्टर का हसबेंड हो गया, ये सारे रिलेशन अपने इक्वल ने, ठीक है। इस तो अलावा फ्रेंड सर्कल हो गया, तो दोस्तों इन्हों अपने इक्वल ही रखना है। इस तो बाद थर्ड चीज़ आती है ब्लड रिलेशन च, कि जेडे अपने तो रिलेशन छोटे ने, जिदा आप गल करिए कि अपनी खुद की जनरेशन होगी, अपने ब्रदर की जनरेशन होगी, इस तो अलावा आप गल करिए कि अपनी सिस्टर की रिलेशनशिप होगी, या ये जो जिंदगी रिलेशन ने अपने, क्लीयर है। ये सारे दोस्तों तुम्हें की रखने हैं, बिलो रखने हैं खुद तो, और जदों भी ब्लड रिलेशन करोगे स्क्रीन तो किसी भी बच्चे ने हलना नहीं है, ध्यान रखियो कि आप जदों भी ब्लड रिलेशन की बेस्ट क्वेश्चन करने हैं, उस क्वेश्चन के विच अपने आप नूं अगर तुम नहीं बिठाया तो तुम यह बेहतर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, यह गल याद रखियो, क्लीयर है। हुण देखते हैं आप क्वेश्चन भी बेसिक जिहा क्वेश्चन समझते हैं, जिदा मैं तुहानूं देता कि ए इंटू बी, इहदा मतलब है कि ए इज फादर ऑफ बी, क्लीयर है। इतने देता उन्होंने क्वेश्चन दे विच कि ए सपोज इतने गिवन ए प्लस बी, इट मीनस है कि ए इज मदर ऑफ बी। नैक्सट इज गिवन ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई ऑलरेडी गिवन है, इनू डिवाइड कर लो, डिवाइड समझो इन, ठीक है, तो इट मीनस है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्लीयर है। एंड नैक्सट इज गिवन ए डिवाइड बाई बी, तो इट मीनस की है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। दोस्तों ये एक मैं रिलेशन बनाया, हुण तुहाडे सवाल आएगा जिहड़े फ्रैशर स्टूडेंट्स ने, तुसीं कहोगे सर कि तुसीं हर जगह ए और बी लिखता, मेरे प्यारे दोस्तों ए और बी आपां नहीं देखना, आपां देखना है कि जो स्टेटमेंट है पूरी तरह डिपेंड किस ते डिपेंड है, सिंबल ते, तो आपां सिंबल दे हिसाब नाल बनाउणा है। तुसीं इहो जिहे क्वेश्चन नूं जिवें मर्जी कर लो, और यकीन रखियो कि जिहड़े इशारा करन वाले क्वेश्चन हुंदे है, जिद्दां कि कहदा मैं कि एक मुंडे ने एक फोटो वल इशारा करके कहा कि यह मेरे फादर दी, यह मेरे फादर दे इकलौते बेटे दी सिस्टर है, क्लीयर है ना। इदां दे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक लड़के ने एक फोटो वल इशारा करके कहा कि यह लड़की मेरे फादर दे इकलौते पुत्र दी वाइफ दी ननद है, इदां दे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो तुसीं डेफिनेटली कर दिंदे हो, बट कई लोगों नूं थोड़ा जिहा टाइम लगता है। मैं थोनों देसी दवाई देवांगा, थोनों याद है ना पुड़ियां थोनों दित्तियां जा रही हैं, ये जरूर टाइम टू टाइम लेंदे रहो, कि इदा ना हो सारी दवाई मिक्स कर दो, नोट्स बनाओ, ठीक है, थोनों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, इहदी कीमत समझो। हुण देखो दोस्तों आपां किदां करांगे, सब तो पहला आपां लिखांगे ए, इहने कहा भी ए इज फादर ऑफ बी, तो इट मीनस है कि ए किहदा फादर है, बी दा, तो आपां बी इत्थे लिखांगे, ए हो गया अपने कोल ए, तो ए इज फादर ऑफ बी, इट मीनस की है कि ए फादर है, फादर मीनस मेल है, क्लीयर है। बी दा आपां नूं जेंडर नहीं पता, आपां नैक्सट बताएंगे। ये कहिंदा कि ए प्लस बी है, इहदा मतलब तुसीं छड्ड दो, इत्थे आपां प्लस ध्यान रखना है। ये कहिंदा भी ए इज मदर ऑफ बी, मतलब ए है वह माँ की दी है, बी दी है, तो हालांकि ये तो स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, ये हो नहीं सकता। तो चलो यह भी चीज़ ध्यान रखियो कि अगर सानू पेपर दे विच इदां क्वेश्चन आउंदा है, पूरी पूरा स्ट्रक्चर अगर आप समझांगे तो तद अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ए इज मदर ऑफ बी, तो तद आप अगर अल डिफरेंट स्टेटमेंट हों तो आप ए की माँ बनाते, बी की बनाते, क्लीयर है। तीजे स्टेटमेंट च क्या सीगा कि ए मल्टीप्लाई दस्या, डिवाइड दस्या सी कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए है वह बी का भरा है, ठीक है, तो इक्वल, इट मीनस तुम इंज रखोगे भी ए का रिलेशन आपको पता है, बी का रिलेशन नहीं पता, इसनों नहीं लिखोगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सैकेंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, समझते चलो सारिया चीज़ा। इदा ही नैक्सट पूछा गया है कि ए
अगर आप इन माइनस सिंबल समझ लिए ठीक है, इतने तुम माइनस का मतलब ही समझ लोगे। जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट इदा दिता होगा, बल्कि मैं तुम्हें इन्ने क्वेश्चन करावगा कि तुम खुद अच्छे तरीके सारे रिपीटेशन कर लोगे। क्लीयर है? चलिए हूँ आप देखते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए का मतलब है कि ए है वह कि सिस्टर है, बी की सिस्टर है। इस मीनस ए का जेंडर पता है, बी का जेंडर नहीं पता। एक कंडीशन निकल के आएगी जो आप बी का जेंडर सारे स्टेटमेंट्स नहीं पता होगा। और अगर आप पूछ ले कि दसो तुम ए तो कहता भी ए फादर है बी का पहले स्टेटमेंट च, बट ए दसो कि वट इज बीज रिलेशन विद ए, बी का रिलेशन ए नाल की है, मतलब कि बी नू ए की कहेगा। ना तो बेटा कह सकता है, ना बेटी कह सकता है। इस कंडीशन च जो आप नहीं दस सकते तो तुम हमेशा आंसर की देना है सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, मतलब असं यदा उत्तर पूर्ण तौर पर नहीं दे सकते, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। क्लीयर है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, फटाफट एक बार शेयर करो प्लीज, एक बार शेयर करो ताकि आप क्वेश्चन सीरीज से वधिए। बहुत सारे क्वेश्चन करने, लंबा सैशन चलेगा, ठीक है, रज के सारे सवाल करने हैं ताकि आप सारे सैशन अच्छे तरीके समझ सकी और सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके कवर कर सकी। ठीक है दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं और क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करांगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके हर एक क्वेश्चन कवर करांगे। ये कहता कि ए इज बीज डॉटर, मतलब कि ए है वो कि डॉटर है, बी की डॉटर है। क्लियर है? इट मीन ए इज बीज डॉटर एंड बी इज सीज मदर एंड डी इज सीज ब्रदर एंड हाउ डी रिलेटेड टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन थोड़ा पिछले साल के पेपर च आ चुके हैं। देखो किदा करना है, हालांकि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं थोड़ा बाद दे विच ट्रिक्स दसांगा। इदा नहीं कि असं एक सैशन च टॉपिक कवर करता बाद च नहीं करांगे, करांगे। क्लीयर है ना? ठीक है, हाँ जी शुरू करते हैं। ये कहता कि ए इज बीज डॉटर, ठीक है, तो ए कौन है, बी की डॉटर है। इट मीनस कि ए बीज डॉटर है तो बी का रिलेशन उपर आएगा, एदा बन गया। क्लीयर है? हुण आपां नूं इह नहीं पता कि बी बीज का रिलेशन की है, मेल है या फीमेल है, नहीं पता है। इत्थे दस्सिया जा रहा है कि बी इज सीज मदर, मतलब बी कौन है, सी की माता आ। क्लीयर है? हुण आपां नूं इह नहीं पता भी सी का रिलेशन की, बट बी अगर मदर है तो बी का रिलेशन आपां नूं पता लग गया माइनस है। क्लीयर है? मतलब फीमेल है। अगे क्वेश्चन दसा जा रहा है कि डी इज सीज ब्रदर, मतलब डी है वो सी का ब्रदर है। इट मीनस ए हो गया कि सी डी है वो सी का ब्रदर है, सी का रिलेशन आप नहीं समझ आ रहा। क्लीयर है? किसी भी स्टूडेंट नू कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके ना समझो हाउ डी रिलेटेड टू ए। हुण डी का रिलेशन इस ए नाल किदा बनेगा, हुण तुसी एंड ऑफ द क्वेश्चन पहुंचना है। एक काम करो, जिन्हें भी मेल तुसी फिलिंग ले लो, ठीक है, तुसी खुद सारे डी हो, ताड़े जो कोई भी गर्ल या बॉय देख रहा, तुसी एक सैकेंड वास्ते सोचो जरा, ठीक है। मैं तुहानू दो तरीके नाल क्वेश्चन समझावांगा, जिन्हें भी स्टूडेंट्स मेल ने ताड़े चो, जो भी स्टूडेंट बॉयज देख रहे, तुसी डी सोचो अपने आप नू। डी अते सी मतलब थोड़ा या तो तुसी सगे भरा हो या ताड़ी सी सिस्टर है, सी बारे सानू नहीं पता। आपां दसांगे भी अगर सी साड़ी ब्रदर है, सी साड़ा ब्रदर है तो डेफिनेटली बी साड़ी मां हुई। क्लीयर है? और बी अगर मां है, तुसी ए सोचो कि बी दी बेटी ए है तो डेफिनेटली साड़ी सिस्टर लगेगी। अगर तुहाड़े चो कोई गर्ल सेशन देख रही है तो दसना चाहवांगा कि तुसी इंज सोचो कि तुसी खुद एक फीमेल हो तो तुहाड़ी मदर मदर कौन है, बी, और बी दा सन है या बेटी है वो सी है, तो डेफिनेटली थोड़ा डी नाल की बन रहा वा, सिंपल जी गल है, एक ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन बन रहा है। तो प्यारे दोस्तों तुसी इहदा की रिलेशन दसोगे, ये पूछा जा रहा है कि डी है ए दे रिलेट किदां आ, तो तुसी कह सकते हो कि ही इज ए ब्रदर ऑफ ए। नो डाउट, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। वापस तो समझाना वा पहला क्वेश्चन ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन क्या जा रहा है कि ए, देखो ए जिथे भी इज होंगे ना मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, उसका मतलब है। क्लीयर है? जे आप हिंदी समझिए, ठीक है, ये तुसी समझ लेना वा। ये कहता भी ए इज बीज डॉटर, मतलब है ए वो बी की कौन है, डॉटर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हुण आपां नूं ए दा पता लग गया, बी दा जेंडर नहीं पता लग्या। अगले स्टेटमेंट ते जावांगे। ये कहिंदे कि बी इज सीज मदर, मतलब बी है ना वह सी की माता है, तो सी की माता तो डेफिनेटली सी उसकी बेटी या बेटा होया, बेटी या बेटा होया तो आप रिलेशन थले बनावांगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ निकल के आई कि इत्थे आपां नूं बी दा रिलेशन पता लग गया कि बी मेल है या फीमेल है। नैक्सट स्टेटमेंट ते चल जाओ। ये कहिंदा भी डी इज सीज ब्रदर, मतलब डी है ना वह सी का ब्रदर है, भाई है। ठीक है, ये लो जी आपां चैक कर सकते हैं, ब्रदर है, कोई दिक्कत नहीं है। सी का ब्रदर है, इट मीनस रिलेशन उसका बराबर लाइन च आएगा ना। यही चीजा मैं थोड़ा समझाइया सी, बस भी आई फिगर हमेशा याद रखना है कि थोड़े तो वड्डे रिलेशन हमेशा उपर, थोड़े बराबर के रिलेशन ताडे बराबर, और ताडे तो छोटे रिलेशन नीचे। क्लीयर है? किसी बच्चे को डाउट नहीं है। हुण पूछा जा रहा है, दसो डी है ए का की लगेगा, तो डेफिनेटली ब्रदर लगेगा। आई थिंक समझ आया, तो प्लीज़ एक बार जरूर सैशन लाइक करो, लाइक जरूर होने चाहिए, बहुत घट होंगे ने लाइक, कंजूस हो सारे के सारे तुम, ठीक है। हाँ, चीपड़ नहीं बनना चाहिए, दिल थोड़ा बड़ा रखो और कोशिश करो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पी इज क्यूज ब्रदर,
देखो की कह रहा वा कि पी है वो क्यू दा ब्रदर है, रिलेशन पता है पी दा। नेक्स्ट है कि आर इज क्यूज मदर, मतलब आर है वो क्यू दी माता है। अगर आप आर नू माता देखिए तो डेफिनेटली ए ब्रदर सीगा तो ए भी एदा बेटा होया, नो डाउट। मतलब पी दी माँ आर हुई, आर दा बेटा पी होया, लेकिन क्यू दा जेंडर सानू पता नहीं लग्या। दसिया जा रहा है कि एस इज आरज फादर, मतलब एस कौन है, आर दा पिता या। तो आप इसनों चलो उपर बना लें किसी बच्चे नू दिक्कत ना हो, एस इज फादर, एस इज आरज फादर, मतलब एस है आर दा पिता या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगे दसा जा रहा है कि टी इज एस इज मदर, मतलब है टी है वो एस दी माँ है। वाओ क्या जबरदस्त क्वेश्चन जा रहा है, इतने तक चले गए आप, ठीक है। हाउ पी रिलेटेड टू टी, हुण देखो इसनों किदां समझना है। तुसीं खुद अपने आप नूं इह समझो भी ए हो गए आर तुहाडी माता जी, और तुहाडी माता जी दे फादर तुहाडे नाना जी, और तुहाडी नाना जी दी माता तुहाडी की लगेगी, आई थिंक डेफिनेटली साडी की लगेगी, पड़नानी लगेगी, क्लियर है। या आप कह सकते हैं कि साडी ग्रैंड मदर लगेगी। इस तो भी बड़े क्वेश्चन पेपर च पूछे जाते हैं, सिंपल जहा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर की है, फटाफट मैं दसो। हुण पूछा जा रहा है कि जो पी है वह टी का रिलेशन की बनेगा, ठीक है। पी और टी का रिलेशन की बनेगा, मतलब है भी टी है, टी पी नू किस नाम तो पहचानेगी। हुण तुसी देखो भी तुहाडे तुहाडी नानी तो इत्थे है नहीं, तुहाडे फादर की जो मदर है तो डेफिनेटली वह तुहानू की कहेगी, दो तां कहेगी, बट इदां दा पंजाबी च लिखा होया नहीं है, तो तुसी की लगेंगे, ग्रैंड सन लगोंगे। अगर दोस्तों थोनू पूछा जाए, दसो मेरी तरफों मैं क्वेश्चन पूछ रहा वा कि दसो एस और क्यू का रिलेशन की है, तो तुसी इस कंडीशन पर क्यू का रिलेशन ना तो कोई मेल दस सकते हो ना फीमेल दस सकते हो, बिकॉज जब तक आपां जेंडर नहीं दिता जाता तब तक वो आंसर पर नहीं पहुँचना है। आई होप थोनू समझ आ गया होएगा, क्लीयर है। अगे वध्दे इहदा ऑप्शन नंबर टू होएगा, करैक्ट। अगे वध्दे और यह क्वेश्चन थोड़ा एस एस सी दे विच आ चुकिया वा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थोड़ा स्क्रीन ना कटिंग हो रही है। एक क्वेश्चन होर है दोस्तों, मैथमैटिक्स के क्वेश्चन की क्वारीज तुसीं सानू वट्सएप पर शेयर कर दिओ, प्लीज़ डोंट एक्सैप्ट कि तुहानू हत्थों हत्थ आंसर दिता जाएगा, क्योंकि एक दिन दिन लगभग अगर भी बच्चे सानू इदां दी क्वारीज पुछदे, एक बच्चे नू अगर 10 मिनट समझावांगे, 2 मिनट का मतलब है, 200 मिनट का मतलब है कि लगभग 3.5 घंटे, यानी आई थिंक इन्ना टाइम हुंदा नहीं। अगर टाइम होवे ना तो डेफिनेटली तुहानू असीं वट्सएप पर भी टीच कर देंगे, तुसीं क्वारीज भेजो, उन्हां सारियां नू इकट्ठी करके एक सैशन कवर कर देंगे, क्लीयर है ना। सारे ने बस सारे ने सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तीजा क्वेश्चन देखते हैं, ये कहते भी ए इज बीज ब्रदर, मतलब देखो ए है वो बी का ब्रदर है, क्लियर है, ठीक है। हुण दस्या जा रहा है कि सी इज डीज फादर, मतलब सी है वो डी का फादर है। हुण बी और सी नाल कोई रिलेशन, इन एक बार छड्डो, इस लाइन में छड्डो, ड्रॉप करो, नैक्सट चलो अपने। ये कहें वे कि ई इज बीज ब्रदर मदर, राइट, मतलब ई है वो बी की है माता है। डेफिनेटली अगर यह माँ है ई, तो शोर है कि इहदा इहदे नाल भी रिलेशन बनेगा, क्योंकि क्योंकि वाए 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 कि ए है वो बी बी का ब्रदर है, तो बी की माँ ए है, तो डेफिनेटली यानी ए की माँ भी कौन हुई, ई हुई। हुण आप इतने समझ सकते हैं अगली लाइन, इन्होंने दस्सिया कि ए एंड डी आर ब्रदर, ए और डी कौन है, भाई है, आप कह सकते हैं कि ए ब्रदर होया। हुण इत्थे आप सी और डी वाली लाइन अटैच करांगे, सी इज डीज फादर, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ लो जी ए सी हो गया, क्लीयर है, ए मतलब फादर हो गया। हुण तुसीं ए देखो भी आ नीचे सारे इको लाइन च है, तो डेफिनेटली ए भाई भैन ने। हुण आपां बी का नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, क्लीयर है, इस नूं आपां यानी क्वेश्चन मार्क इस ते हैगा आ, लेकिन इस चीज़ की समझांगे आपां, डी अगर मैं अपने आप नूं समझा तो मेरा फादर सी है, क्लीयर है, आपां समझांगे मेरा ब्रदर ए है। इस तो बाद अगर ए दी मदर ई है तो डेफिनेटली ई मदर कि लगेगी, बी दी लगेगी, और आपां ए भी कह सकते हैं कि ए और बी का रिलेशन कोई भैन भाई का डेफिनेटली है। क्वेश्चन आपां नूं पुछ रहा वा कि ई रिलेटड टू सी, मतलब ई है उस सी दे किदां रिलेट है, सी दे रिलेट किदां आ ई, तो तुसीं दस सकते हो किहड़ा रिलेशन है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कमेंट बॉक्स च लिखो अपने आंसर फटाफट, ठीक है। वाइफ का रिलेशन बनेगा, ठीक है, पति पत्नी का रिलेशन बनेगा ना, क्लीयर है। मतलब तुसीं अच्छे क्वेश्चन तद कर सकते हो, मैं नहीं, आपां इदां करना है रीजनिंग दे हर टॉपिक दे विच, लगभग असीं 50 तों 60 क्वेश्चन तुहानूं हर सैशन च मैं रिपीट करावांगा, चाहे मैनूं 3-3, 4-4 पार्ट करने पैण, उस तो बाद तुहानूं 50-50, 60-60 क्वेश्चन दे टैसट करावांगा मैं लाइव, ठीक है। लाइव टैसट करोंगे ना तो तुहाडा रिजल्ट डेफिनेटली देखण नूं मिलेगा, और तुहाडे जो आंसरस कई बार कमेंट बॉक्स च हुंदे ने, असीं सारे लाइव सैशन च ध्यान रखदे हां कि किस स्टूडेंट दे करैक्ट हुंदे ने, किस दे रोंग हुंदे ने। दोस्तों इदां ही तुसीं कवर कर दोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तुहाडा जो सपना या गवर्नमेंट जॉब का, दुनिया की कोई ताकत नहीं उन्हें बदल सकती। चलते हैं अगे क्वेश्चन के बच्चे, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए है वो सिस्टर की दी है, बी दी है,
क्लियर है, माइनस करांगे इनू, दसा जा रहा है कि बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी है वो ब्रदर की है, सी का है। नेक्स्ट है कि सी इज सन ऑफ डी, सी है वो सन ऑफ डी है, इट मीनस कि आप कह सकते हैं कि सी का रिलेशन पता लग गया बट डी का रिलेशन नहीं पता लग गया, क्योंकि उन्होंने क्या वा इस क्वेश्चन दे विच कि सी इज सन ऑफ डी, हुण डी मेल है या फीमेल है इहदा नहीं पता। ये कहिंदे डी रिलेटड टू ए, मतलब हाउ डी रिलेटड टू ए, डी किदां ए दे रिलेट है, दसो कमेंट बॉक्स आंसर फटाफट सारे बच्चे, मतलब तुहानू इन्ना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो तुसी अपने आप नू कोई भी तुहाडे चो गर्ल है तुसी महसूस करो कि बी तुहाडा भाई है, उस तो बाद थोड़ा सी भी ब्रदर है, और अगर सी का मदर या फादर है तो डेफिनेटली तुहाडा भी वह मदर या फादर लगेगा। क्लीयर है ना, तो कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे नू। हुण देखते हैं इहदा मतलब ऑप्शन नंबर अपना की आएगा, ऑप्शन नंबर किहड़ा आएगा अपने कोले, यानी वट वी हैव टू गिव द करैक्ट आंसर। दोस्तों हुण आपां पर्टिकुलर इस क्वेश्चन दे विच की पुछया गया सीगा, यही चीज आपां दसनी है कि इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड डी इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज सन ऑफ डी, मतलब है सी है वह कि सन है डी का, तो हाउ डी रिलेटड टू ए, बस यही चीज़ तुसी दसनी है कि डी ए का रिलेशन की है। देखो ये तो श्योर है कि डी जो ए है वह कौन है, एक सिस्टर बेटी है, क्लीयर है, मतलब ए एक डॉटर हुई, लेकिन डी का सानू नहीं पता लग रहा मेल है कि फीमेल है, आई थिंक यदा ऑप्शन भी अधूरा है, ठीक है, साढ़े द्वारा क्वेश्चन ने शायद अद्धा लिखा, बाई द वे कोशिश करांगे करैक्ट करन दी, ठीक है, इदां तुसी समझ सकदे हो। चलो पंजवां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब बी है वो ब्रदर है कि ए दा, ठीक है, तो बी इज ब्रदर ऑफ ए, क्लीयर है। एंड ये पुछदा कि ए हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, वाओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब है ये कहिंदा वा कि ब्रदर ऑफ ए एंड अगे दस रहा वा हुज मतलब जिसकी, ओनली सिस्टर मतलब इको सिस्टर है, इज मदर ऑफ सी मतलब वो सी दी मदर है, क्लियर है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट मीनस अगर मैं कहां कि अगर ए दी ओनली सिस्टर है, अगर मैं कहां कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, ब्रदर ऑफ ए, ए का ए दा भाई है, एंड हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो डेफिनेटली ए आप कह सकते हैं कि सी दी जो भी रिलेशन इतने बनेगा वह मदर होएगी। क्वेश्चन है कि डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल का मतलब होंगे या ताडे मदर वाले साइड, मतलब अपने मामा जी मामी जी इदा दे, और पैटरनल होंगे फादर वाले साइड, तो मतलब मैटरनल का मतलब हो गया ताडी नानी, मतलब ताडी नानी होगी, राइट। इन्हें कहा कि डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, सी दी ग्रैंड मदर है, ठीक है, ए मतलब उहदा फादर अते मदर होया, इस तो बाद यानी इत्थों आपां कह सकते हैं कि मेल अते फीमेल होएगा, जो भी रिलेशन बनेगा इत्थे बनेगा जाके, क्लीयर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ ए रिलेटेड टू डी, मतलब ए अते डी दा रिलेशन की बनता वा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत और प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों मैं कह सकता वा कि अगर मैं इसनों माइनस मना भी डी है वो सी दी की है, नानी है, क्लीयर है, ठीक है। हुण अपने तो यही पूछा गया सीगा कि दसो ए दा रिलेशन डी नाल किद्दां बनेगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोनू बहुत ईजली आना चाहिए, ठीक है। ए दा रिलेशन डी नाल की है, देखो इन्होंने ओनली क्या सी ना, तो देखो एक चीज़ होर ध्यान दो, जो ओनली वर्ड आ जाए उदों अकेला मेल या अकेली फीमेल होएगी, सवाल च यह सीगा कि बी है वो ए दा ब्रदर है, ठीक है, बी ए दा ब्रदर है। इन्होंने कहा कि हुज ओनली सिस्टर, मतलब बी वास्ते क्या जा रहा है कि बी दी जिहड़ी अकली भैन है उहदी मां सी है, तो मतलब यह होया कि ए है वह बी दी सिस्टर बनेगी, ठीक है, और इहदा ए दा अते सी दा रिलेशन की बनेगा कि सी है वह बेटा या बेटी डेफिनेटली है, ठीक है, लेकिन यह चीज़ शुरू है कि सी दी मदर ए है अते ए दी मदर कौन है, डी है, तो हुण तुसीं दसना है कि ए डी दे की लगेगी, तो डेफिनेटली डॉटर है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करैक्ट आंसर। आई थिंक तुसीं समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन सीगा, वापस तो रिपीट करते हैं, सवाल च यह सीगा कि बी है वह ए दा ब्रदर है, ठीक है, सवाल च यह दस्या जा रहा है कि जो बी दी अकेली भैन ए हुई, तो ए दी ए दा सिर्फ सन या बेटा है वह कौन आएगा, सी आएगा, लेकिन ए दी जो माँ है वह डी है, तो ऑप्शन नंबर विल बी बी ऑप्शन सही आएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए एंड बी आर सिस्टर, मतलब ए अते बी दोनों भैणा ने, क्लीयर है, ए एंड बी आर सिस्टर्स है, तो ए भी सिस्टर्स है, ए भी सिस्टर्स है। यह कहिंदा कि आर अते एस आर ब्रदर, आर और एस ब्रदर है, आर एस दा रिलेशन नहीं आपां नूं छड्ड दांगे, यह कहिंदा भी एज डॉटर, ठीक है, एज डॉटर मतलब ए दी डॉटर है कोई, ठीक है, एनीबडी इज आरज सिस्टर, मतलब आर दी सिस्टर है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आर दी सिस्टर है, ठीक है, तो आर भी मेल है फीमेल है नहीं पता, लेकिन यह श्योर पता है कि जो ए दी बेटी है वह जेंडर सानू पता लग गया वा फीमेल है।
क्वेश्चन नंबर इतने आप देख सकते हैं आर अते एस आर ब्रदर है, यह कहते भी आर अते एस ब्रदर है, आप ए ब्रदर कह सकते हैं, तो इतने एस का भी आप ब्रदर बनावेंगे, को नो डाउट क्लीयर। अच्छा क्वेश्चन है तो यह आंसर की है, एट द एंड पूछा जा रहा वा अपने तो, वट इज बीज रिलेशन टू एस, मतलब बी का रिलेशन ए दे नाल, बी का रिलेशन एस दे नाल की होएगा, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करैक्ट आंसर तुसी दसना है। वापस तो समझते हैं, अगर ए अते बी दोनों भैणा ने और ए का बेटा या बेटी, तो गल करते हैं बेटी कौन है, इत्थे है जिहदे बारे नहीं इनफॉर्मेशन दसी गई, बट ये कहिंदे ने एज डॉटर इज आरज सिस्टर, मतलब आर दी सिस्टर है, एंड विच दस्या सी आपां नूं आर अते एस दोनों ब्रदर ने, आर एस ब्रदर है, तो इस कंकलूजन ते पहुंचे कि आर दी मदर भी कौन ए है, एस दी मदर भी ए है, अते जो भी इत्थे ऑप्शन है, चलो सपोज आप एक्स मान लैने, तो एक्स दी मदर भी ए है, इन्हां दी जो ए है एदा रिलेशन बी नाल की बनेगा, सिस्टर बनेगा, डेफिनेटली एक्स की गल करिए चे आर की गल करिए एस की गल करिए, तो इनकी बी नाल की रिलेशन है, बी डेफिनेटली इन्हां दी मासी होएगी, तो आप कह सकते हैं कि ये उन्हां दी आंट है, कोई डाउट नहीं है, किसी भी बच्चे नूं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया सीगा कि दसो बी का रिलेशन एस नाल की बनेगा, बी का रिलेशन एस नाल की बनेगा, तो तुसीं ऑप्शन नंबर फोर्थ दे सकते हो, क्लीयर है, किसी बच्चे नूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सातवां स्क्रीन पर दिता गया, यह कहिंदे वी ई ई इज़ द सिस्टर ऑफ बी, मतलब ई है वह बी की सिस्टर है, क्लीयर है, इत्थे दस्या जा रहा वा कि ए इज़ द फादर ऑफ सी, ए इज़ द फादर ऑफ सी, ना तो साढ़े को ए है ना सी है, तो इन्हें छड्डो, दसया जा रहा है नैक्सट क्वेश्चन च बी इज द सन ऑफ सी, मतलब ए है कि बी है वह सन है, कि सी का, तो सी का फादर होया या मदर होया, तो आप इंज करते हैं, उसना नहीं पता, लेकिन आप कह सकते हैं कि बी दे रिलेशन नाल उच्चा रिलेशन बनेगा। हुण सीगा कि ए इज द फादर ऑफ सी, ए है वह सी का फादर है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ए इत्थे है, ए इज द फादर ऑफ सी होया, नो डाउट क्लीयर है दोस्तों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं इतों तक, लेकिन यह नहीं पता लग्या कि सी है वह मेल है फीमेल है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए दसो ई दे रिलेशन किदां आ, ए अते ई दा रिलेशन किदां होएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल जिहा रिलेशन है, आई थिंक सारे बच्चों को पता लग गया होएगा, तो यह ऑप्शन नंबर की होएगा, फस्ट यानी ग्रैंडफादर है, मतलब ई दा ए की लगेगा, देखो ई दा फादर कौन है या मदर कौन है, वह आप कह सकते हैं कि फादर या मदर सी हो सकता है, लेकिन यदा जेंडर नहीं पता, लेकिन यह पता है कि सी जो साडा मदर फादर है, उन्होंने जो फादर होएगा, पंजाबी भाषा हिंदी च कही नाना या नाना लगेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली नाने की कहेंगे ग्रैंड फादर कहेंगे, आई थिंक सारे बच्चों को क्लीयर हो गया होगा। हुण दोस्तों मैं इसे दे संबंध च तुहानू तीन क्वेश्चन दे रहा हाँ अपने प्रैक्टिस लिए, प्लीज जरूर करो, बाकी के जिन्हें भी क्वेश्चन होने, एक भी क्वेश्चन नहीं छड़ांगे रीजनिंग दे, ठीक है, इन्हां दे कमेंट बॉक्स आंसर लिखने तुसी सारे स्टूडेंट्स ने, और असी चेक करांगे कि तीनों के तीनों बिल्कुल करैक्ट आंसर की दे है, मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक इस सैशन में शेयर करना है, ताकि सारे बच्चों तक यह प्रोपर इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए है। तुसी गिल्ज मिंटोर फैमिली के मैंबर हो, तुसी चाहते हो कि तुहाडे नाल हजारां बच्चों का इदां ही फ्री दे विच सिलेक्शन होवे, ताकि घर बैठे पढ़ सकन, किसी प्रकार की मुसीबत ना आवे, और सब तो वड्डी गल है आप गल करिए सैंपति की, तुहानू पता है कि लगभग अद्धा पंजाब क्राइसिस चो गुजर रहा है, ठीक है, फ्लड के कारण, तो जरूर उन्होंने बच्चों तक इनफॉर्मेशन पहुँचाओ, थैंक यू सो मच, और इदा ही अपना बेशकीमती गिल्ज मिंटोर समय दो और प्यार करते रहो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तद तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।